हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं APPGEET 2021 के बारे में। आज हम इस स्टूडियो में APPGEET 2021 के बारे में हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन जानेंगे, लाइक उसका एप्लीकेशन हम किस तरह से भर सकते हैं, उसका एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड किया जा सकता है, साथ ही साथ APPGEET 2021 का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन APPGEET 2021 के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, हर एक चीज़ फुल डिटेल में जानेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर जैसे ही APPGEET 2021 का कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, कोई भी अपडेट आता है या कोई भी न्यूज़ आती है, या उसी के साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड रिलीज होता है, या कब एग्जाम डेट होने वाला है वो फिक्स हो जाता है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। इसलिए मेक श्योर कीजिएगा आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और साथ ही साथ जो है बेल आइकन बटन दबा के रखा हो। अब हम शुरू करते हैं APPGEET 2021 के बारे में और डिटेल में जानना। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली अपने किसी भी ब्राउजर पे जो है google.com ओपन कर देना होगा, और google.com ओपन करते ही आपको वहां पे सर्च करना होगा CTET.co.in। जैसे आप वहां पे CTET.co.in सर्च करेंगे तो आपके सामने जो सबसे पहला रिजल्ट आएगा आपको सिंपली उसे ओपन कर देना है। तो आपके सामने किसी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो ये CTET.co.in एक ऐसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको APPGEET के रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन फुल डिटेल में मिल जाएगी। और उसी के साथ साथ ये जो वेबसाइट है वो APPGEET की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके साथ जो है रेगुलर बेसिस पे अपडेट भी होती रहती है, तो यहाँ पे आपको फुल अपडेटेड और फुल ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से आपको जानने को मिलेगी। तो मैं बताता हूँ तो आप किस तरह से APPGEET के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। तो लाइक यहाँ पे आपको जो सर्च बटन दिख रहा है आपको सिंपली उस पर जाना है, वहाँ पर जाके लिखना APPGEET, या आप और भी कोई एग्जाम के लिए रिलेटेड सर्च करना चाहते हैं आपको वो भी यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक एंट्रेंस एग्जाम, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं इंडिया में, हर एक एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब APPGEET लिखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सर्च बटन जो है उस पर क्लिक करना है। जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है APPGEET के बहुत सारे जो है रिजल्ट आ जाएंगे। अब मैं आपको APPGEET का जो है थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। लाइक APPGEET का जो फुल फॉर्म है वो है आंध्र प्रदेश पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एपी का फुल फॉर्म आंध्र प्रदेश हो गया और PGEET का फुल फॉर्म हो गया पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये जो एग्जाम है वो आंध्र यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ AP स्टेट काउंसिलिंग ऑफ हायर एजुकेशन। और अगर आपको आंध्र प्रदेश के स्टेट में कोई आंध्र प्रदेश के स्टेट में अगर आपको इंजीनियरिंग का, फार्मेसी का या पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करना है तो आपके लिए ये एग्ज़ाम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम देने से आप पूरे स्टेट में, आंध्र प्रदेश के पूरे स्टेट में कहीं भी जो है आसानी से कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे APPGEET के हाईलाइट्स की। तो लाइक सबसे पहले हमने उसके फुल फॉर्म ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि आंध्र प्रदेश पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसका टाइप ऑफ एग्ज़ाम है PG लेवल है, उसका लेवल ऑफ एग्ज़ाम स्टेट हो गया, फिर कोर्सेज ऑफर क्या क्या किए जाते हैं, उधर इंजीनियरिंग और फार्मेसी के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, अब इसके ऑर्गेनाइजिंग बॉडी क्या, इसके ऑफिशियल अथॉरिटी का, किसके द्वारा ये एग्जाम जो है कंडक्ट किया जाता है, तो आंध्र यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम ऑन द बिहाफ ऑफ APSCHEM ऑलरेडी ऊपर देख चुका है ये पॉइंट। फिर इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड रिलीज होता है, यहाँ पे दे दिया ऑनलाइन मोड से मतलब ये है कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा वहाँ पे जाके हमको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रहेगा, एप्लीकेशन फिल करके हमें डायरेक्टली वहाँ पे सबमिट करना रहेगा। मोड ऑफ एग्जाम यहाँ पे ऑनलाइन मोड या मीन्स कंप्यूटर बेस्ड आपको टेस्ट देना रहेगा। यहाँ पे एग्जाम ड्यूरेशन टोटल 3 घंटे आपको दिए जाएंगे, आपको 3 घंटे में जो एग्जाम कंप्लीट करना होगा। लास्टली आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दे दी गई है APPGEET की। अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ेंगे क्विक लिंक्स की, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे APPGEET क्विक लिंक्स दिखा हुआ है। सो गाइस, ये सेक्शन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन प्रूव हो सकता है, क्योंकि अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना है, लाइक अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिटेल में जानना है या सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो आपको सिंपली उसके सामने जो क्लिक लिखा है उस पर क्लिक करना है, उस पर क्लिक करते आप जो डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएंगे ऐसे पेज पर जहाँ पे आपको APPGEET के एग्जाम पैटर्न के रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। तो इन सब की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम डेट्स की ओर। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो नोटिफिकेशन है वो मार्च में ही रिलीज हो जाता है, एप्लीकेशन प्रोसेस 2nd और 3rd week ऑफ मार्च में जो है स्टार्ट हो जाता है, और इसका जो एग्ज़ाम होता है वो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर टेंटेटिव जो डेट है वो मंथ ऑफ मे में ही इसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले ये बता दूंगा इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एप्लीकेशन भरने का, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते जब कोई भी फेक डिटेल्स भरते हैं, कोई भी गलत डिटेल्स भरते हैं, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्टली जो है रिजेक्ट हो सकता है। और साथ ही साथ जो एप्लीकेशन भरते जब जो लास्ट स्टेप आता है उसमें आपको कहा जाता है कि आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, आपको और डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके अपलोड करने होते हैं।
पर कई सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता होता कि कौन सी साइज में जो है फोटोग्राफ और सिग्नेचर को स्कैन करके कौन सी साइज में उसको रखना है, कौन सा फॉर्मेट रखना है, उन्हें ये सब जानकारी नहीं होती। तो इसकी वजह से क्या होता है, उनका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो पाता है और बाद में उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आपके साथ ऐसा होगा, इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को बटन को भी दबा देना है, क्योंकि हम APPGCET के एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म के रिलेटेड एक फुल डीप वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें हम आपको लाइव एप्लीकेशन फॉर्म भर के बताएंगे और साथ में उसका आपको ये भी बताया जाएगा उसमें कि कौन से लिंक से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कौन से डिटेल्स अंदर किस तरह से भरनी है, और उसके साथ साथ तो आपका जो डॉक्यूमेंट हो गया, सिग्नेचर हो गया, फोटोग्राफ आपको किस तरह से स्कैन करना है, कितने फाइल कितने KB में उसको सेव करना है, किस तरह से उसका फॉर्मेट चेंज करना है और किस तरह से अपलोड करना है, हर एक चीज़ आपको फुल डिटेल में उस वीडियो में मिल जाएगी। तो मेक श्योर कीजिएगा आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखा और साथ ही साथ जो है बेल आइकन बटन भी दबा के रखा हो। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो अगर आप जनरल क्लास से या OBC कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फ़ी रहेगी 800 रुपीज़ रहेगी। अगर आप SC ST कास्ट से बिलोंग करते हैं तो 400 आपकी फ़ीस रहेगी। और अलग अलग कोर्सेज़ के लिए जो फीस है वो हर मीन चेंज होती रहती है। सॉरी मतलब अगर समझे आपको एक कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं पर आप लेट हो जाते हो उस कोर्स का एप्लीकेशन भरने के लिए और आप उसका एप्लीकेशन लेट भर रहे हैं, तो जैसे जैसे लेट आप होते जाएंगे तो वैसे वैसे जो फीस है वो बढ़ती बढ़ती ही जाएगी। वो हम आगे देखेंगे, आगे आपको बताया जाएगा आगे के। अगर समझिए जो पहले एप्लीकेशन भरने का टाइम रहता है उसमें समझिए अगर आप OBC कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपका 800 रुपीज़ है। अगर फिर आपका जो फर्स्ट टाइम रहता है, फर्स्ट डेट अगर आपकी छूट जाती है, फिर जब सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म रीस्टार्ट होता है तो उसमें जो डेट एक्सटेंड होती है तो अभी आपसे जो एक्स्ट्रा फीस ली जाएगी। इसी तरह से एक्सटेंड होते होते आपसे जो फीस है वो बढ़ाई बढ़ती जाएगी आपकी फीस। तो इसीलिए भलाई इसी में कि आप जो पहली बार एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है तभी जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए और तभी जो है फिल करके सबमिट कर दीजिए। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करके रखना होगा ताकि जैसे ही हम एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो हम वीडियो के माध्यम से तुरंत आपको अपडेट कर देंगे। अभी नेक्स्ट हम आते हैं APPGCET एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका एलिजिबिलिटी को सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसके एलिजिबिलिटी को सेटिस्फाई नहीं करते हो तो आप जो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं, आप वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दी गई है, सर इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आप और डिटेल में भी चाहे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे नेशनलिटी बता दी गई है, तो आप जो है इंडिया के रेसिडेंट होने चाहिए, आप भारतीय नागरिक होने चाहिए और आप जो है यहीं पे आपका जो आप जो पैदा होते हैं तो यहीं पे इंडिया में आप जो है वो बॉर्न होने चाहिए, आप इंडिया में ही पैदा हुए रहने चाहिए। ये सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फिर उसके बाद डोमिसाइल के रिलेटेड है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिलेटेड है, मिनिमम मार्क्स आपके कितने चाहिए इंजीनियरिंग में फार्मेसी वो भी अलग अलग बता दिया है। तो यहाँ पे हर एक डिटेल्स जो आपको दे दी गई आप जो है लिंक्स में जाके डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एग्जाम सेंटर्स की। अगर आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से एप्लीकेशन फॉर्म में दो तीन एग्जाम सेंटर चूज करने रहते तो इतनी जगह पर जो है इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। आप इसमें से जो भी आपका प्रेफरेंस के एग्जाम सेंटर रहेगा उसे सेलेक्ट कर दीजिए, उसमें से कोई भी एक एग्जाम सेंटर आपको अलॉट किया जाएगा, फिर वहाँ पर जाके आपको जो है अपना एग्जाम देना होगा। अब एग्जाम पैटर्न पे आ जाते हैं। अगर आप गाइस सीधी सी बात है कि APPGCET के एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने होंगे, अच्छे ग्रेड्स लाने हैं, तो उसके लिए आपको इसका जो एग्जाम का एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी आप उसके हिसाब से अपनी जो है प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम अभी इसका एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, लाइक यहाँ पे टोटल पेपर्स कितने होने वाले हैं, कौन से मोड में एग्जाम होगा, कितने क्वेश्चन पूछेंगे, हर एक चीज़ यहाँ पे जो है वो दे दी गई है। तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन मोड है, पेन पेपर बेस ऑफलाइन एग्जाम होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे 120 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे और सबके सब जो है MCQ टाइप रहेंगे। MCQ टाइप मीन्स आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, एक क्वेश्चन के टोटल चार ऑप्शन होंगे, चार ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आपको वो सेलेक्ट करना होगा। फिर लास्ट जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में ही रहेगा, मीन्स आपका पेपर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा और कोई भी लैंग्वेज में नहीं आएगा। साथ ही साथ जो ड्यूरेशन है, जो टोटल टाइमिंग है 120 मिनट्स का रहेगा, उससे इतना एक मिनट आपको ज़्यादा मिलेगा, आपको इतने ही टाइम में जो अपना एग्जाम कंप्लीट करना रहेगा। और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मीन्स अगर आप कोई गलत आंसर देते हो, कोई प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो आपको जो है मार्क्स कम नहीं होंगे, मार्क्स कटेंगे नहीं। लास्ट में हम आ जाते हैं एडमिट कार्ड के ऊपर। सो गाइस एडमिट कार्ड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि अगर आप एडमिट कार्ड घुमा देते हैं, अगर एडमिट कार्ड नहीं लेके जाते एग्जाम सेंटर में तो आपको APPGCET का जो एग्जाम है वो देने नहीं दिया जाएगा विदाउट एडमिट कार्ड। इसलिए आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बहुत ही सावधानी से अपने पास 3 से 4 जो प्रिंट कार्ड उसे संभाल के रखना है। पर बहुत बार होता ही है कि जो स्टूडेंट्स हैं तो पता ही नहीं चल पाता कि कब APPGCET का एडमिट कार्ड रिलीज हुआ, कब जो है एडमिट कार्ड का डेट है जो है फिनिश हो चुका है। तो इसीलिए क्या होता है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते और फिर एग्जाम के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाते। तो आपके साथ भी इस तरह ना, इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन भी दबा देना ताकि जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज हो तो हम तुरंत वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर दें, नोटिफाई कर दें। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।